यहाँ खड़े होकर के लगाओ, द कोई कुछ कह भी दे आपसे जय श्री राम एक घंटे लगाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो सब साजिश के तहत। ये तो मस्जिद है, हाँ यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई नहीं कहेगा आपसे कुछ। यहाँ सब हिंदुओं से किसी से कोई नफरत नहीं, ये लोग मस्जिद के बाहर भी और इस परिसर में खड़े होकर भी अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को। नहीं, हमें क्या तकलीफ है, आप अपना ईश्वर का नाम ले रहे हो, हमें क्या तकलीफ है। अब आप मुझसे कहो जय श्री राम कहो, भाई ये तो गलत है। मैं आपसे कहूँगा भाई पढ़ नमाज, पढ़ नमाज, तो आपको बुरा लगेगा ना। बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उनकी यात्रा से। अगर कोई अब खुद ही झगड़ा करे, अब मैं आपसे झगड़ा कर लूं, तो आप क्या करोगे भाई, कुछ तो ना कुछ बचाओ तो अपना करोगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं नू में, मेवात, वही मेवात की धरती जहां 31 तारीख को बवाल हुआ, लोग बदहवास थे और यहां अब एक महीना लगभग बीत चुका है। आज 28 तारीख का दिन था, लिहाजा आखिरी सावन के इस दिन, इस सोमवार, जलाभिषेक की बात तो हुई लेकिन कुछ ही लोगों ने जलाभिषेक किया। ठीक मस्जिद के ठीक सामने हूँ, अब तो शांति की ओर लौट रहा है ये नू। फिर से लोग अपने उसी दैनिक जीवन को जी रहे हैं। लोगों से बातचीत करूँगा कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं, जो यहाँ के मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से हमने देखी तस्वीर लगातार मेवात की दिखाने की कोशिश हुई कि मेवात ऐसा है, मेवात ऐसा है, लेकिन असल में मेवात है कैसा, ये यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेवात कैसा है। साहब आपका नाम क्या होगा जनाब? मेरा साहबुद्दीन नाम है। साहबुद्दीन, आप यहीं रहते हैं, यहीं इसी मस्जिद में? इसी मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर आपका रहना भी यहीं पर है? हाँ जी, ये सामने आप ही का गांव है। हाँ, घर भी इधर ही है। घर भी इधर है। अब लगभग एक महीना बीत गया। हाँ लगभग। क्या दिखा आपको, कहाँ पहुँचा इसे एक महीने में? खूब बातें हुई यहाँ पर भाईचारे की, आपको एक महीने बाद अब कहाँ दिखाई दी? यहाँ भाईचारा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि भाई भाईचारा खत्म हो जाए तो ये लोग दंगे कराते रहेंगे। मतलब आपको लगता है कि इसमें फॉल्ट जो है वो सरकार का है, अगर सरकार चाहती तो शायद इस भाईचारे में खटास ना आती, आप ये मानते हैं? देखो, इनकी एक टीम है पूरी इंडिया के अंदर जो काम करती है, और ये जगह जगह छोटा छोटा सा डंक मार मार करके ऐसा कर देते हैं लोगों को कि ताकि हिंदू वोट बैंक हमारी रहे और मुसलमानों का शोषण होता रहे। क्या ये राजनीति से आप जोड़ रहे हैं कि चुनाव नज़दीक हैं इसलिए? हाँ, भी ये राजनीति दंगा है, ये राजनीति का शिकार, ये 100% राजनीति के एक साजिश के तहत हुआ है। ये मस्जिद यहाँ कब से है? ये मस्जिद तो कई सालों से, बहुत सालों से। मतलब हम तो अभी लोगों से बातचीत की तो लोग बोलते हैं कि 1947 से लेकर और आज तक कभी आपस में ऐसा भेदभाव, ऐसा खटास नहीं है। नहीं, हम हिंदू लोगों के साथ ही कारोबार है हमारा, हिंदू लोगों के साथ ही हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब ऐसा नहीं है। अभी भी झगड़े के बाद में भी, झगड़े वाले दिन से लेकर के अब तक हमारा, भैया थोड़ा पाइप से, मतलब अब बातचीत हो पा रही है जो हिंदू लोग हैं, अब बात हो रही है उनकी बातें, या वो बोल रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ, उसने किया, क्या बातचीत अब हो पा रही है? कौन आपको गलत इसमें दिखाई दे रहा है? आपने बोल तो दिया सरकार, लेकिन सरकार के अलावा भी आपको गलती दिख रही है? यहाँ के लोग बिल्कुल भी इस गलती के जिम्मेदार नहीं है, इस गलती के जिम्मेदार ऊपर से है जो एक इनके पूरी इंडिया के अंदर। देखो, अगर कोई भी इंसान, कोई भी दूसरी पार्टी का, कोई भी मजहब का अगर आदमी हथियार लेकर के घूमता तो उस पर फौरन कार्रवाई देगा। मेरे ध्यान है कि संजय दत्त, उनके पास में AK-47 का उसने जेल काटा कि नहीं काटा, लेकिन आज बजरंग दल के हजारों लोग सारे हथियार लेके घूम रहे हैं, उन पर कोई जेल नहीं, कोई सजा नहीं, कोई पकड़ नहीं। अगर उनके लिए ये अलाउड है तो फिर घोषणा हो जानी चाहिए। बजरंगी के जिसकी बात लगातार हुई कि उसने कहा था जीजा आ रहा है, वो तो अब जेल जा चुका, अब तो जेल में है, लेकिन आज आप अल्लाह के घर पे खड़े हैं, ईश्वर का घर माना जाता है। मैं समझूंगा कि अगर यहाँ पर कोई भी खड़ा होगा तो वो सच बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल, इसमें तो किसी प्रकार की कोई, हमारे लिए हर जगह अल्लाह है, जैसे मस्जिद है ऐसे हर जगह हम सच बोलना चाहते हैं। अब आपको लगता है जिस तरीके से सूनी सड़कें नज़र आ रही है, ये आपको लगता है कि अगली बार यात्रा, हाँ अगली प्रशासन ने आज अगली बार सावन आएगा कि भाई देखो आज वो लोग आ सकते हैं
तो आप लोग अपने आराम से घरों में आराम करो और अपने भाई ठीक है। हमने अगली बार सावन आएगा फिर से आएगा, ये तो हर साल आएगा, तो अगली बार यात्रा निकल पाएगी? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उनकी यात्रा से। अगर कोई अब खुद ही झगड़ा करे, अब मैं आपसे झगड़ा कर लूं तो आप क्या करोगे भाई? कुछ ना कुछ बचाओ तो अपना करोगे। इसके बाद गिरफ्तारियां बहुत हुई, जेल लोग गए, बुलडोजर भी चला, इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखो अगर जिन्होंने इस दंगे में हिस्सा लिया वो तो जायज है, उनका तो जेल जाना भी जायज है, और जो लोग बेचारे बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि उनके नारोबाजी से, जो नारेबाजी उनकी थी उससे तकलीफ हुई। बिल्कुल बकवास है ये सब, मतलब वो जय श्री राम और हर हर महादेव कर रहे हैं उससे कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ खड़े होकर के लगाओ, तो कोई कुछ कह भी दे आपसे जय श्री राम एक घंटे लगाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो सब साजिश के तहत। ये तो मस्जिद है, हाँ यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई नहीं कहेगा आपसे कुछ। यहाँ सब हिंदुओं से किसी से कोई नफरत नहीं, ये लोग मस्जिद के बाहर भी और इस परिसर में खड़े होकर भी अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को? नहीं, हमें क्या तकलीफ है, आप अपना ईश्वर का नाम ले रहे हो, हमें क्या तकलीफ है? अब आप मुझसे कहो जय श्री राम कहो भाई, ये तो गलत है। मैं आपसे कहूँगा भाई पढ़ नमाज, पढ़ नमाज, तो आपको बुरा लगेगा ना ये। तो आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था हुआ या ऐसा ऐसा वहाँ पर ऐसी घटना हुई जिसमें इस तरीके से कहा गया कि आप ज़बरदस्ती बोलिए? ये सारा का सारा फिल्मी स्टाइल में काम हो रहा है, फिल्मी स्टाइल में सारा का सारा काम हो रहा है, सारा काम फिल्मी स्टाइल में कर रहा है ये, ऊपर से नीचे तक मैं बता रहा हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं तैयारी पहले से थी, ऑडियो मैसेज पहले से आ रहे थे कि आज आप निकलिए, आज आपको करना होगा। तैयारी भी ये लोग करा सकते हैं ना, ये लोग जो जो साजिश रचता है ना, वो तैयारी भी करा सकते हैं मैसेज का भी, सब चीज़ का। कुछ बयानबाजी विधायक की तरफ से भी हुई, कहा कि प्याज सब फोड़ देंगे, आपको लगता है कि इन बयानों से भी असर पड़ा हो? हालांकि वो पुरान दो नौजवान जो जिंदा जलाए थे, ये लोग भी गाय का काम करते थे, ये लोग मिलकर के गाय का काम करते थे, और इन लोगों का जब हिस्सा नहीं पहुंचा होगा तो उन लोगों में झगड़ा हो गया आपस में, आगे समझ में? हाँ ये है। तो मौलाना साहब आप मुझे अंदर भी लेकर चल सकते हैं और भी लोग अपनी राय रखें? अब नमाज का वक्त है। अच्छा आप नमाज के बाद में 50 बात पूछो, किसी से कोई एतराज नहीं। ये देखिए आपका क्या नाम हुआ? दो मिनट, मेरा नाम साहबुद्दीन है। साहबुद्दीन ने बहुत अच्छे से बातचीत की, अपनी राय रखी और ये भी कहा कि आप यहाँ पर भी अगर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है किसी भी प्रकार की। क्या तकलीफ, अपना दिनों अपना सारा दिन अपनी पूजा करो, मंदिर में रहो, रोड पे करो, भगवान का खूब नाम लो अपने, हमें क्या एतराज इस चीज़, हमें कोई एतराज नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पर साजिश करने के लिए कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे उस दिन? बिल्कुल 100% ये चीज़, ये यही तो साजिश है और है क्या। यहाँ के लोग तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं है। वाकई आप देख सकते हैं लोग, इस वक्त नमाज का वक्त हो गया और लोग जो है मस्जिद में आ रहे हैं अपनी यहाँ पर नमाज़ अदा करने के लिए, और लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं। साहबुद्दीन ने अपनी बात बताई और इस वक्त ये मस्जिद है, यहाँ से लोग अपनी बात करने के, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं लगातार, और हमने बातचीत की। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है प्राइम इंडिया के साथ।